हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव ओझा और आज यहाँ पे बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स अगर पेपर होता है तो 2.5 मार्क के कौन से या किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं। तो भैया सबसे पहली बात तो ये कर लेते हैं कि भैया 2.5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे और माफ करना आज कुछ ज्यादा एडिटिंग वेडिटिंग नहीं होगा बिकॉज टाइम नहीं है और फटाफट पब्लिश कर देना है। तो 2.5 मार्क के 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 2.5 मार्क के 4 क्वेश्चन कैसे आ जाएंगे, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4, इन चारों में से एक एक क्वेश्चन आएगा 2.5 मार्क का, इंटू 4 करेंगे तो वो 10 मार्क का हो जाएगा। अब ऐसा है कि भाई कौन से 4 आएंगे, अब सी सबसे पहले मैं तो मेरे बेस्ट मुझे जो लगता है मैं वो बोलूंगा, लेकिन ना आए तो कल पत्थर लेके आ मत जाना मारने के लिए कि भाई आपने ये गलत बोला था ऐसा वैसा। लेकिन लेकिन अगर फंडामेंटली देखे तो 2.5 मार्क के अंदर कौन सी चीजें आ जाएगी, 2.5 मार्क के अंदर कोई भी चीज जिसकी डेफिनेशन है वो आ सकती है, या कोई टर्म जो है उसे एक्सप्लेन करना है वो आ सकता है। तो ये दो जो छोटा छोटा सा है, जो आधे पेज के टॉपिक है, ऐसे टॉपिक जो है वो सारे के सारे इसके अंदर आ सकते हैं। अगर आपका नसीब थोड़ा सा अच्छा रहा तो 2.5 मार्क के अंदर शॉर्ट सम भी आ सकता है। शॉर्ट सम कैसे आएगा, शायद अगर आप लोग कमेंट करोगे तो 10 मार्क के सम का भी एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन यू हैव टू शेयर दिस, मेक पीपल अवेयर। अगर 500,000 के ऊपर व्यूज आते हैं तभी बनाएंगे। तो अगर आपको वो 10 मार्क का वीडियो भी चाहिए जिसके अंदर बैठा आपके 10 मार्क आ जाएंगे, तो यू नीड टू शेयर दिस ऑल्सो। और बाकी के सारे वीडियोस जो है, लास्ट ईयर के रिविजन भी है, वो सारे के सारे हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए, वहां से आप उसको देख सकते हो। और अगर आप लोग बोलोगे तो फिर आज शाम को 7 बजे लाइव आएंगे, बट देन यू नीड टू से देन ये सब चीज हो सकती है। तो शॉर्ट सम्स आ जाएंगे। शॉर्ट सम्स कैसे आ जाएंगे तो वो भी लास्ट में, ये वीडियो के एंड में हम लोग बता देंगे, कुछ ज्यादा बातें हो रही है। तो सबसे पहले आई थिंक यूनिट 1 में से यार ये जो गुड्स वाला है, डिफाइन द टर्म गुड्स, तो जरा यार आप अपने साथ साथ वीडियो को पॉज कीजिए, टेम्पलेट ले लीजिए और ये जो गुड्स है अंडर सीएसटी बराबर, या तो सीजीएसटी, तो ये डेफिनेशन बार बार आई हुई है। गुड्स के साथ साथ दूसरा क्वेश्चन जो मुझे लगता है, पर्सन की डेफिनेशन भी आ सकती है। उसके अलावा दूसरी डेफिनेशन मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बड़ी है, बट एनीथिंग मैं जो बोल रहा हूँ एक चीज, तो डेफिनेशन में से कोई भी एक 2.5 मार्क में आएगा भैया, ये तो आप लिख लो, अंडरस्टैंड दिस। तो ये दोनों यूनिट 1 में से मेरे फेवरेट हैं। उसके बाद जाते हैं क्वेश्चन 2 में से, तो क्वेश्चन 2 में यहाँ पे आ जाएगा कि टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस, यहाँ पे आ जाएगा इश्यू ऑफ इनवॉइस बराबर किसके अंदर। चलो अभी मैं बोलता हूँ कि मेरे हिसाब से इश्यू ऑफ इनवॉइस फॉर, फिर यहाँ पे लिखता हूँ सप्लाई ऑफ गुड्स। चलो मैंने ये वीडियो में ऐसे बना दिया और एग्जाम में आ गया सप्लाई ऑफ सर्विस पे 2.5 मार्क। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये ही आएगा। मैं वंस अगेन क्या बोलते हैं, आई विल स्ट्रॉन्गली से के यूज दिस वीडियो एज अ बेंचमार्क और अ गाइड, नहीं के भाई जैसे गीता बाइबल कुरान में है कि भाई ये है तो ये ही है, ऐसा नहीं। तो गुड्स के साथ साथ सर्विस भी यहाँ पे आ सकता है। अब यहाँ पे जाएंगे यूनिट 3 में से, तो यूनिट 3 में से यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेन द टर्म, वापिस मैं वही कर रहा हूँ, एक्सप्लेन द टर्म, कौन सी टर्म है यहाँ पे कि भाई इंटर स्टेट, और अगर मैंने जो बोला उसमें से आता है तो यार फिर कमेंट करके बोल देना, तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है कि भाई कोई अप्रिशिएट कर रहा है। और इसको लाइक करोगे तो कुछ तुम्हारा जाएगा नहीं, बट मेरी और मेरी टीम का मोटिवेशन बढ़ता है। तो एक्सप्लेन इंटर स्टेट सप्लाई, तो इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स ये यूनिट 3 में से IGST में से आ सकता है, ठीक है। तो ये एक ये चीज हो गई। और यूनिट 4 में से वापिस ये जो गुड्स वाला है, दैट इज वेरी गुड। तो यहाँ पे एक गुड्स वाली एक डेफिनेशन टर्म्स है, लेकिन वो टर्म्स जो है वो कस्टम एक्ट के अंदर है, तो
ऐसे ये मेरे फेवरेट है, तो ये तो आ ही सकता है। अब ये गुड्स ना आए तो कौन सा आ सकता है? तो भाई यहाँ पे इंपोर्टेड गुड्स, ऐसी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन 2-2.5 मार्क्स के अंदर वो लोग पूछ सकते हैं। अब ये इंटरस्टेट के साथ साथ इसके और में अगर जाए तो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इनपुट टैक्स, तो ये इनपुट टैक्स भी वो लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो इस तरह से ये वाली भी आ सकती है। और टाइमिंग टाइम लिमिट ऑफ इश्यू ऑफ गुड्स के साथ साथ रिवर्स चार्ज, ये रिवर्स चार्ज इतनी एक हॉट फेवरेट चीज है कि एमसीक्यू में तो आएगी ही आएगी। रिवर्स चार्ज एमसीक्यू में तो आएगी ही आएगी और न जाने कितनी चीजों में आएगी। तो एक दो क्वेश्चन ये हो गए, दो क्वेश्चन ये वाले हो गए, दो क्वेश्चन ये, दो क्वेश्चन ये, दो क्वेश्चन ये थे मेरे आई थिंक मेरे टॉप 8 पॉइंट्स। और मैंने कल रिवीजन लेक्चर अपलोड किया है यूनिट 3 के एमसीक्यूज का, तो आप वो देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसमें मार्च 18 के पेपर सॉल्व किए हुए हैं, आप वो देख सकते हो। हमारी एप्लीकेशन है तो यू कैन जस्ट गो डाउनलोड देन डू एनी व्हाट एवर यू वांट। अगर ये अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड जय हिंद। और देखते हैं, शाम को मिलते हैं। बाय।